लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। पूरी दुनिया में उफक पर जैसे ही माहे रबीउन नूर का चांद नजर आया, दिलों में नूर रखने वाली मखलूक अपने महबूब की आमद के जश्न में मसरूफ हो गई। हम किसी जश्न को इतने एहतमाम से नहीं मनाते जितने एहतमाम से जश्न मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की शान है कि अल्लाह तबारक व ताला कुन कहकर ज़मीन को पैदा करता है, कुन कहकर आसमान को पैदा करता है, कुन कहकर सितारों की अंजुमन को सजाता है, कुन कहकर के गुलों को खिलाता है, कुन कहकर के जमीन पर सब्जा पैदा फरमाता है, कुन कहकर दरिया को रवानी अता करता है, कुन कहकर समुंदर को तुगयानी अता करता है, कुन कहकर के चांद को बढ़ाता है, चांद को घटाता है, कुन कहकर सूरज को जो है वो निकालता और डुबाता है, कुन कहकर रात आती है और कुन कहकर के दिन आता है। गोया के कुन होता है तो फया कुन होता है, यानी जब वो कुन कहता है हो जा तो हो जाया करता है। आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को काम करने में देर नहीं लगती, वो जमानो मकान से पाक है, लेकिन जब महबूब की आमद के जश्न का इजहार करना हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने सेकंडों और मिनटों में जश्न का एहतमाम नहीं फरमाया बल्कि आदम को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। नूह को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। शीश को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। यानी कितना एहतमाम किया गया है। मुसव्विर कुदरत ने कायनात को अपने कलम कुदरत से इस तरीके से सजाया सिर्फ एक इसलिए कि कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर, मेहमानों का इंतजाम होता है, किसी मेहमान के लिए घंटों एहतमाम होता है, किसी मेहमान के लिए मिनटों एहतमाम होता है। आखिर कुदरत के कारखाने में एक आने वाला था, उसके लिए कुदरत ने किस शान से एहतमाम किया। मेहमान जिस शान का था कुदरत ने एहतमाम भी उस शान का किया, बल्कि अर्ज करूं उस जैसा कोई आने वाला ना था तो उस जैसा एहतमाम भी नहीं किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब कोई आने वाला होता है तो महबूब जिस शान का होता है उसी शान की कालीन उसके कदमों के नीचे बिछाई जाती है। मुस्तफा जाने रहमत के कदमों के नीचे सब्ज़े ज़ार को बिछा दिया गया और उन्हीं के सदके में अल्लाहु अकबर। और बात यह भी है, जब आने वाला आकर चला जाता है तो कालीन उठा दी जाती है, जमीन पर सब्ज़े ज़ार को बिछाया गया इसलिए कि महबूब आने वाला था। अब भी सब्ज़ा उग रहा है, इसका मतलब किसी के कदम जमीन पर मौजूद है, तभी तो सब्ज़ा उग रहा है। सितारों की किंदिलें रोशन की गई इसलिए कि कोई आने वाला है। अभी तक के सितारों की किंदिल मौजूद है, इसका मतलब जो आया है वो मेहमान अभी गया नहीं है बल्कि मौजूद है, इसलिए कि मेहमान के चले जाने से पहले एहतमाम को खत्म कर देना ये मेहमान की तौहीन होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सितारों की अंजुमन सज रही है, बहारें हर रोज जो है गुलिस्ता पर आ रही है, भौरे हर रोज जो है कलियों को देख करके गुनगुना रहे हैं, गोया के किसी की आमद के गीत गा रहे हैं, रोजाना बुलबुल फूल पर अपनी जान निछावर कर रहा है, इसका मतलब आने वाला अभी गया नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजाना सूरज का हैलोजन निकलता है और निकलने के बाद अपनी रोशनी को बिखेरता है, मतलब जिसके लिए जो है इस हैलोजन को पैदा किया गया था, अभी वो मेहमान गया नहीं है, अभी वो मेहमान मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हैरत की बात यह है कि खुदा ने जिसके लिए इंतजाम किए थे अभी वो मेहमान मौजूद है, और फिर मौजूद है और मौजूद है और मौजूद है, लेकिन मेहमान उस आने वाले मेहमान को महसूस करें तो कैसे करें, देखें तो कैसे देखें। अल्लाहु अकबर, उस मेहमान को महसूस किया जा सकता है लेकिन माथे की आंखों से देखा नहीं जा सकता है। आखिर वो मेहमान कहां है, किस शान से है, कैसे रहता है?
करता है, कैसे चलता है, कैसे खुशबू बिखेरता है। तो कुरान कहता है अगर तुम मोमिन हो तो वो मेहमान तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यानी वही जो आमिना का लान है, जो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, मेरा उनवान ये नहीं है, इंशाल्लाह किसी महफिल में इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुदरत ने कितना एहतमाम फरमाया अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के लायक कि आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले थे। और हमें भी ये हुक्म दिया गया कि जब महबूब खुदा की आमद हो तो अहले ईमान जो है वो खुशी करें, मोमिनों को खुशी करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होगी वो उतना इजहार खुशी करेगा, कोई कुमकुमे लगाकर खुशी करेगा, कोई परचम लगाकर खुशी करेगा, कोई नया लिबास पहनकर खुशी करेगा, कोई अलग अलग अंदाज से खुशी करेंगे। अच्छा बात तो ये है, इजहार खुशी का अंदाज जो है वो किसी के हवाले से मुकय्यद नहीं है। ईद मनाना सुन्नत है, कैसे मनाना चाहिए, ईद उल फित्र कैसे मनानी चाहिए, इसका किसी को पाबंद नहीं किया गया है। और पहली बात यह है कि जब खुशी का दिन होता है तो कुछ बातों की छूट होती है। अमेरिका वाले जैसे ईद मनाते हैं, हिंद पाक वाले वैसे ईद नहीं मनाते। सऊदी वाले जैसे ईद मनाते हैं वैसे हिंद पाक वाले ईद नहीं मनाते। वो अपने कल्चर के हिसाब से मनाते हैं, हम अपने कल्चर के हिसाब से ईद मनाते हैं, लेकिन ईद मनाना सुन्नत है। तो ईद उल फित्र हर इंसान अपनी तहजीब के मुताबिक मनाता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ईद उल फित्र के मौके पर सेवैयां पकती है, लेकिन सऊदियों के यहाँ सेवैयां नहीं पकती, उनके यहाँ कुछ और पकता है। मगर यहाँ से वही पकाने वालों पर कोई फतवा नहीं और वहां कुछ और पकाने वालों पे फतवा नहीं, इसलिए कि ईद अपने उर्फ के एतबार से मनाई जाती है। ईद मनाना सुन्नत है, बस बात इतनी ही है। हुजूर की आमद पर ईद मनाने के लिए कहा जाता है, आशिकों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशिकों को कहा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशिकों को कहा जाता है, मेरे आका अली सलाम के दीवानों। और फिर जिसका इश्क जितना होता है वो उस शान के मुताबिक ईद मनाता है, अपने कल्चर के मुताबिक मनाता है, अपनी तहजीब के मुताबिक मनाता है। मैं मदीने मुनव्वरा की ईद को देखता हूँ तो मदीने वाले ईद इस तरह से मनाते हैं, वो ईद के दिन डफ बजाते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं और वो आसमानों पर कुछ छोड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान वाले जो है वो घर में से वही पकाते, मिठाइयां तकसीम करते हैं, इस तरह मनाते हैं। तो अब आप अंदाजा फरमाएं, ईद उल फित्र मनाने का हुक्म है लेकिन वो कैसे मनाना चाहिए आपके कल्चर पे छोड़ दिया गया है, उस पर कोई फतवा नहीं है। इसी तरह जब ईद उल फित्र जो है तुम्हारे कल्चर पे छोड़ी गई है कि तुम अपने अंदाज से एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करो, तुम अपने अंदाज से जो है खाने पकाओ, तुम अपने अंदाज से लिबास पहनो, तो ईद मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे कल्चर के मुताबिक छोड़ दी गई है कि तुम्हें किस तरीके से मिलाद मुस्तफा मनाना है। कहीं पर मिलाद मुस्तफा खड़े होकर के सलाम पढ़कर मनाया जाता है, कहीं जुलूस निकालकर मनाया जाता है, कहीं नातों की महफिल सजाकर मनाया जाता है, कहीं पर नारे लगाकर मनाया जाता है, कहीं पर कॉन्फ्रेंस करके मनाया जाता है। मनाया किस तरह जाए इस पर बहस नहीं है, सिर्फ यह है कि जब दिल में खुशी हो तो उसका इजहार होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और हुजूर की आमद पर जो खुश हो जाए, हुजूर की आमद पर जो खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुसीबतों को दूर कर देता है, उसकी मुश्किलों को दूर कर देता है। इतनी बात पढ़कर के असल उनवान की तरफ आना चाहता हूं। काबतुल्ला शरीफ सदियों से मुसीबत में मुब्तला था, सदियों से मुसीबत में मुब्तला था, दहशतगर्दों ने काबे को मुसीबत में गिरफ्तार किया था। आप मेरे जुमलों को समझने की कोशिश करें, मुसीबत कहते इसको है। आप कहेंगे देखो काबे को मुसीबत में मुब्तला कह दिया, याद रखना मुसीबत कहते उसको है कि जो चीज इंसान न चाहे और उस पर वो मुसल्लत कर दी जाए। काबा अल्लाह का घर था, क्यों बनाया गया था? राकईन के लिए बनाया गया था कि रुकू करे, आकिफीन के लिए बनाया गया था कि इतिकाफ करे, साजिदीन के लिए बनाया गया था कि सजदे करे। लेकिन उस जमाने के दहशतगर्दों ने लात हुबुल को उस पे सजा दिया था, ला करके रख दिया था, ऊपर बुत थे अंदर बुत
بت تھے، کعبہ اس مصیبت میں گرفتار تھا، اور گویا کہ کعبہ جب اس مصیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا، ہر دن آہیں بھرتا ہوگا، ہر دن آنسو بہاتا ہوگا۔ کیوں آنسو بہاتا ہوگا؟ میں لات کے لیے نہیں، میں منات کے لیے نہیں، میں عزا کے لیے نہیں، لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں، جب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گرفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے، گویا قدرت نے کہا حبیب کی آمد پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے غم باقی نہیں رہتے۔ پھر قدرت نے صدیوں سے مصیبت میں گرفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے صدقے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و عبول کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و عبول کے کفریہ کلمات پڑے جاتے تھے، اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کعبے سے پوچھا، لوگ بہت پوچھتے تصور میں، ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا، او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے، 360 معبودان باطل کی کثرت تھی، آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کا ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی۔ پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔